देखो इस वीडियो के अंदर मैं अपकमिंग 5 SUV कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि इस साल तक इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। हालांकि इनमें से एक दो कारें ऐसी है जो कि लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली तबाही मचाने वाली है। जिस तरह से इंडियन मार्केट में XUV700 ने, इसके अलावा MG Aster ने तबाही मचा के रखी है, सिमिलरली ये कारें इंडियन मार्केट में आने के बाद डेफिनेटली तबाही मचाने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो सबसे पहली कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो है हैवल की F5। ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो बहुत जल्दी पुणे में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने वाली है और हैवल की जो पहली एसयूवी कार रहने वाली है इंडियन मार्केट में वो रहेगी F5। हालांकि हैवल F5 एक 5 सीटर मिड साइज एसयूवी कार होने वाली है जिसका मुकाबला क्रेटा सेल्टॉस के साथ रहेगा। इसके अलावा टाइगुन, कुशक, एस्टर, इन कारों के साथ ये कार कम्पीट करेगी इंडियन मार्केट में। तो यहाँ पर इस कार का जो एक्सटीरियर लुक है काफी ज्यादा कमाल का है, दिखने में काफी ज्यादा कमाल की लगती है। इसके इंटीरियर में भी काफी कमाल के फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। वही हैवल कंपनी इस कार को अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है, ये एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट बताई जा रही है। और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो लगभग 10 या फिर 11 लाख रुपए से इसके बेस मॉडल की कीमत इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो सकती है। जो सेकंड पोजीशन पर कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो है टोयोटा की RAV4। हालांकि इसको इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किया जाएगा ना कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा, क्योंकि टोयोटा ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वो इंडिया में अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। तो यहां पर RAV4 को इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा टोयोटा की जितनी भी अपकमिंग कारें रहने वाली है उनको तो इंपोर्ट किया जाएगा या फिर टोयोटा कंपनी मारुति सुजुकी कारों को अपनी बैजिंग लगाकर इंडियन मार्केट में उतारेगी। अगर मैं RAV4 की बात करूं तो इस कार को ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इस कार का लुक काफी ज्यादा कमाल का है, इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स भी दिए जाते हैं और इसके अंदर ऑफ रोडिंग के भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो इसलिए इस कार को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसका परफॉर्मेंस भी काफी हद तक तगड़ा है। हालांकि टोयोटा कंपनी इस कार को अगले 1-2 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और इसकी जो कीमत रहेगी वो थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी क्योंकि इसको इंपोर्ट किया जाएगा, उसकी वजह से इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 20 या फिर 25 लाख रुपए से शुरू हो सकती है इंडिया में। आपको क्या लगता है टोयोटा की इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जो थर्ड नंबर की कार आती है वो है टाटा की सियारा। हालांकि टाटा की सियारा एक आइकॉनिक कार रही है, इसको 2003 में डिसकंटिन्यू कर दिया था लेकिन ये अब इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसको टाटा कंपनी ने एक ऑटो एक्सपो में शोकेस भी किया था, कुछ इमेजेस में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। हालांकि इसका जो एक्सटीरियर लुक है काफी ज्यादा कमाल का रहने वाला है और इसके इंटीरियर में बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स दिए जाएंगे। टाटा कंपनी इस कार को इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में इंडिया में लॉन्च करेगी तो इसकी जो एक्सपेक्टेड रेंज बताई जा रही है वो लगभग 500 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी एक सिंगल चार्ज में टाटा की सियारा 500 किलोमीटर तक चलेगी, ये भी काफी हद तक कमाल की बात है। इसको अगले 1-2 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में रिवील किया जाएगा, उसके बाद इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 14 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो है हैवल की F7। ये एक 7 सीटर SUV कार रहने वाली है, इसका मुकाबला इंडियन मार्केट में XUV700 के साथ रह सकता है। इसके अलावा टाटा की सफारी के साथ भी ये कंपीट कर सकती है और इसका जो एक्सटीरियर लुक है काफी ज्यादा कमाल का है। तो यहाँ पर 7 सीटर SUV सेगमेंट में और ज्यादा कंपटीशन टफ होने वाली है और हैवल कंपनी इस कार को F5 के बाद लॉन्च करेगी। पहले F5 को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 11 या फिर 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्शन प्राइस। वही जो लास्ट नंबर की कार आती है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का पिछले 2-3 सालों से टेस्टिंग ही चल रहा है। हालांकि महिंद्रा कंपनी ने इसके एक्सटीरियर को कम्प्लीटली चेंज किया है और इसके इंटीरियर में भी आपको काफी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी अपकमिंग जो स्कॉर्पियो रहने वाली है ये काफी प्रीमियम और काफी हाईटेक फीचर्स से लेस रहेगी। काफी बढ़िया फीचर्स इस कार के अंदर ऑफर किए जाएंगे और सभी महिंद्रा लवर्स के लिए यहाँ पर गुड न्यूज है। XUV700 ने 5-star रेटिंग्स हासिल की है ग्लोबल NCAP में। तो यहाँ पर महिंद्रा की कारों की बिल्ड क्वालिटी तो हमें पता ही है, XUV300 के बाद यहाँ पर XUV700 को सेफ्टी में 5-star रेटिंग्स मिले हैं, तो ये भी काफी ज्यादा कमाल की बात है। वही अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करूँ तो स्कॉर्पियो को अगले साल के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 10 या फिर 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। तो ये 5 SUV कारें इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, इनमें से आप किस कार का इंतजार कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, वियर हेलमेट, वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।